हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर सेव वाटर सेव लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर ली थी, बट इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज आकाश लिव। आकाश कहाँ रहता था? कहाँ रहता था वो? ही लिव्स इन अ बिसारा गांव, बिसारा विलेज। सो हम लोग वही लिखेंगे, He lives in Bisara village. Now, second question है हमारा, What was the problem of the villagers? पहला question है, villagers की प्रॉब्लम क्या थी, उनकी प्रॉब्लम क्या थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू, उन्होंने डिसाइड क्या किया करना, उन्होंने क्या करना डिसाइड किया। सो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके गांव में पानी की शॉर्टेज रहती थी, और फिर उन्होंने डिसाइड क्या किया कि वो लोग एक एक बूंद पानी की बचाएंगे, सेव करेंगे। सो हम लोग वही लिखते हैं, ये आंसर लिखना शुरू करते हैं। The problem was that one minute, थोड़ा गैप लेके कर देते हैं। Was that there is a there was shortage, किसकी शॉर्टेज थी? वाटर की शॉर्टेज, ऑफ वाटर। और उन्होंने डिसाइड किया क्या, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर कंप्लीट हो गया, अब हमारे सेकेंड है, उन्होंने क्या करना डिसाइड किया। हम लोग वो लिखेंगे, दे डिसाइड टू सेव ईच and every drop of water, okay? So ये answer भी हमारा complete हो गया है। Now third question, which program was launched in the village? विलेज में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, यानी कौन सा उन्होंने आंदोलन शुरू किया। सो कौन सा था वो? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ओके, सो हम लोग आंसर लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं हम, द प्रोग्राम was water conservation, कौन सा था? water conservation वाला, double inverted comma में लिखेंगे, water conservation program। ओके, सो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड का, इस शब्द का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब उसमें एक वर्ड में ही था, क्या था? टू सेव समथिंग, किसी भी चीज को बचाना। तो हम लोग वही लिखेंगे, It means to save something. Okay. Now हमारा fifth last question है, Which activities have been
डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती थी, क्या क्या कार्य होते थे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में, क्या क्या होते थे, देखिए यहाँ पर मैंने हिंट्स भी लिखी हुई हैं। फार्मर्स विल मेक टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स। किस में करेंगे वो फील्ड, हाँ देखिए फील्ड्स में करेंगे, बट किस फॉर्म में करेंगे, मेट्स में या फिर बंस में, है ना। मैंने आपको दिखाई भी थी जो ऐसे, ये मान लीजिए ये फील्ड है तो इसके साइड में नाली सी बनी होती है, इसमें पानी स्टोर होता है और जब ज़रूरत है तो वो ये मिट्टी हटा देंगे, पानी आगे आ जाएगा। ये बताया था मैंने आपको मेट्स, एक ही बात होती है मेट्स और बंस। नेक्स्ट हमारा है वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन। जो वेल्स है और जो पॉन्ड्स है, तालाब है और जो कुएं हैं, उन्हें डीप किया जाएगा, उन्हें यानी गहरा बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा पानी है। मान लीजिए कुआँ है तो इसे और गहरा किया जाएगा, इतना है तो मान लीजिए इतना और कर देंगे तो पानी ज़्यादा आएगा, वरना केवल इतना आता है, ये जगह नहीं आ पाती, बट अब और डीप किया जाएगा तो पानी ज़्यादा होगा और इन्हें साफ भी किया जाएगा। ये है सेकेंड पॉइंट का मतलब। नाउ थर्ड पॉइंट, ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड। जो डैम्स हैं पुराने, उन्हें रिपेयर किया जाएगा, ओके। और जो नए डैम्स हैं मतलब, और नए डैम भी बनाए जाएंगे। चलिए हम लोग इन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट द एक्टिविटीज, द एक्टिविटी दूर दूर करके लिख देते हैं। The activities which come under water conservation program program are, देखिए पहली क्या है कि पानी फील्ड्स में बचाया जाएगा। फार्मर्स विल बंस और फार्मर्स विल मेक बंस और मेज इन देयर फील्ड्स सो दैट वाटर विल कंजर्व। ये लिखना आगे की नींद नहीं है, इतना ही काफ़ी है। सेकेंड पॉइंट, हाँ वेल्स एंड पॉन्ड्स वाला है। Wells and ponds will be deepened and cleaned. Now third and last point, जो पुराने डैम हैं उन्हें दोबारा बनाया जाएगा और जो मतलब उन्हें उनकी उन्हें रिपेयर किया जाएगा और जो नए डैम हैं उन्हें बनाया जाएगा और जो नए हैं उन्हें बनाया जाएगा, ठीक है। ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड new dams will be constructed, okay friends। So ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, हमारा केवल लास्ट चैप्टर रह गया जो कि एक पोयम है।
सो ये वीडियो हम लोगों ने वो ये चैप्टर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा केवल लास्ट चैप्टर रह गया जो कि एक पोएम है आई लव नेचर, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी बाद में। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।